ये हमारी बस है, पुणे को लेके जा रही है, चांगमाई से चांगराई। इस वीडियो में मैंने अपना चांगमाई से चांगराई तक का जो बस का सफ़र था वो कैसा रहा, उसकी तैयारी मैंने कैसे की थी, ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। अगर आप थाईलैंड में ट्रैवल करना चाहते हैं बस से तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि टिकट्स कैसे बुक होती हैं, बसेस के जो रूट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, बसेस वहाँ पर कितनी तरह की होती हैं, उनके अंदर फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। जैसे हमारे देश में है ना, वॉल्वो भी है, एसी भी है, नॉन एसी भी हैं, और बहुत सस्ते में अगर यात्रा करनी हो तो ऑर्डिनरी बसेस भी हैं जो नॉन एसी हैं और बहुत सस्ते में आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। क्या ऐसा ही थाईलैंड में भी है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिल सकती है। जो स्ट्रगल मैंने किए थे उनसे आपको ये भी पता चल जाएगा कि उनको अवॉइड करके आप कैसे अपने ट्रिप को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। अच्छा, ये टर्मिनल 2 है? हाँ। ये तो बिल्कुल आमने सामने ही है। हाँ, सड़क पार टर्मिनल 2 और इस तरफ टर्मिनल 3। प्लेटफॉर्म पे कहीं चांगराई नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम जो बस ऑपरेटर है ग्रीन बस, उसके काउंटर पे जा रहे हैं। ये हमारी बस है, पूछना पड़ेगा, मैं कंफर्म करूँ एक बार उससे, पूछ के आता हूँ। अच्छा, यही बस है चांगराई वाली, सामान रख देता हूँ, यही है। चांगराई चांगराई, चांगमाई से चांगराई तक का ये सफ़र मैं करना चाहता था एक दिन पहले। तो शाम के वक्त हम दोनों बस टर्मिनल पे गए थे चांगमाई के, ये देखने के लिए कि अगर कोई रात की बस जाती हो तो और भी अच्छा है, रात रात में सफ़र कट जाएगा, हॉस्टल में या रहने के पैसे भी बच जाएंगे। हम लोग आए थे बस टिकट ख़रीदने के लिए चांगमाई से, यहाँ से जाना है चांगराई, 4 घंटे का सफ़र है। लेकिन ज़्यादातर काउंटर्स उस वक्त तक बंद हो चुके थे और हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। और फाइनली पता ये चला कि रात को चांगमाई से चांगराई के लिए कोई बस नहीं जाती। तो मेरा जो प्लान था कि ओवरनाइट सफ़र करके मैं चांगराई पहुंच जाऊंगा सुबह सुबह, वो हो गया फेल। अब अगले दिन की टिकट ख़रीदनी थी तो इन्फॉर्मेशन पता करने लगे रात, क्योंकि हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन काउंटर्स बंद हो चुके थे। असल में क्या है कि अपने देश में तो आप जब बस टर्मिनल पे चले जाते हैं तो इंक्वायरीज आमतौर पर खुली होती हैं, तो एक जगह पे पहुंचने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन चांगमाई के बस टर्मिनल पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन काउंटर नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जुटाना बहुत मुश्किल हो गया था। एक और ऐसी बात जो थाईलैंड के केस में जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, इंडिया में जो आमतौर पर लॉन्ग रूट बसेस होती हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, यानी जो रोडवेज बसेस होती हैं या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, एसटी बसेस जैसे बोलते हैं, इस तरह की बसेस होती हैं। जबकि थाईलैंड में ये उल्टा है, थाईलैंड में ज़्यादातर हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जिनके काउंटर्स बस टर्मिनल्स पे बने हुए हैं। तो ये जो काउंटर्स हैं ये सिर्फ अपनी बसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं। सभी के बारे में अगर एक साथ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन भी ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप बुकिंग भी कर सकते हैं एक ही जगह पर। ये थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे इंडिया में मेक माई ट्रिप या रेड बस होती है उसी तरह की वहां पर भी हैं, लेकिन उनके साथ में भी दिक्कत है कि ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट थाईलैंड में हैं ये लोग कमीशन ज़्यादा चार्ज करते हैं। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे ही हुए चांगमाई से चांगराई जाते हुए भी। ये ग्रीन बस जाती है चांगमाई से चांगराई के बीच में। अब तो बज रहे हैं यहाँ पर 8:15 बज रहे हैं रात के, अभी कैमरा गिर जाता।
और सुबह 7:15 बजे बस है, और ये दूसरे काउंटर से पता चला कि ये लोग 8:30 बजे खोलते हैं। मुझे पता चला कि इनकी एक वेबसाइट है, ऐप है, वहाँ से भी बुक कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करके देख रहा हूँ। ग्रीन बस की ऐप से पता चल गया और सीट्स भी अवेलेबल हैं सुबह 7:15 वाली बस में। सबसे अच्छी बात ये कि जो बाकी दूसरी ऐप्स थी, जैसे वन टू गो, जो कि एक वेबसाइट है जहाँ पर टिकट्स वगैरह मिल जाती हैं आपको, और कुछ और भी ऐप्स थी बस बुकिंग ऐप्स, वो जो 250-250 बात में बता रही थी, 200 के ऊपर बता रही थी, वो 180 बात में ही अवेलेबल है ग्रीन बस की अपनी वेबसाइट से। बस ये बताना था कि चांगमाई चांगराई के बीच में अगर आपको ट्रैवल करना है तो ये बस सर्विस है, और इसकी एक दिन में, मतलब दिन में 4-5 बस सर्विसेज हैं। करीब करीब 200 बात में पर पैसेंजर आप ट्रैवल कर सकते हैं, 4 घंटे का सफ़र। ग्रीन बस की ऐप से मैंने टिकट बुक करी, कंफर्म हो गई। पेमेंट करने के लिए मैं 7-Eleven आया हूँ। वैसे तो मैं सीधा 7-Eleven आके भी पूरी टिकट बुकिंग का प्रोसेस कर सकता था, ऐप डाउनलोड करके वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर एंड ओनली कैश। ओनली कैश, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लोकल फ़ोन नंबर डायल करना पड़ा पहले। 205 25 बात की एक्स्ट्रा कमीशन भी देनी है। कितना टोटल, हाउ मच? 205 200। थैंक यू। तो 7-Eleven से मैंने टिकट परचेज कर लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Is this my ticket? Ticket, yes. Okay, okay. Thank you. Bye bye. Khapun Krab. ये कितना टाइम बाकी है? 5 मिनट ही रह गए हैं। तो मैं चला जाऊँ? ठीक है, तो मैं चला ही जाता हूँ। आपसे देख के बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि पूरी ड्रीम पूरी हो गई। अरे आप ऐसे मत बोलिए, मेरे को इतना बड़ा मत बनाइए आप। नहीं सच में नहीं, बट खुशी तो खैर मैं बता नहीं सकता, जो आपके साथ मैं घूम पाया, जितनी सारी चीज़ें। और बाकी आपने सही कहा था, टाइम का पता नहीं चला एग्जैक्टली, और एंड भी बहुत अच्छे रोड पर, जैसे वहाँ गुरुद्वारे लगे थे, बड़े अच्छे इंसान। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय। ओके या श्योर, बाय बाय, थैंक्स। बस के चलने के 1.5 घंटे बाद पहली ब्रेक मिली है। बस अभी रुकी है एक जगह आकर। अच्छी बात ये थी कि वो जो यहाँ पर लेडी थी जो बस में टिकट चेक करके सबको ऊपर जाने दे रही थी, उन्होंने पहले थाई में अनाउंसमेंट किया, बाद में इंग्लिश में कहा कि बस विल स्टॉप फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए बस यहाँ रुकेगी, तो इसलिए लोग अब नीचे उतर रहे हैं। बस में चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, बीच में जो हैंडल होता है वो यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये बस है, बस चल रही है, ठंडी है, सूसू करने की जगह है। टर्मिनल 2 चांगराई का, और 5:20 हो गए हैं, 3 घंटे 20 मिनट लगे हैं टर्मिनल 2 तक आने में, लेकिन मुझे जाना है आगे वाले टर्मिनल तक। Yeah.
चांगराई बस स्टेशन पहुंच गया हूँ। टाइम है 5:30, 2 बजे चली थी, 3.5 घंटे में ये पीछे वाली बस जो पीछे खड़ी हुई है इसने मुझे उतार दिया यहाँ चांगराई बस स्टेशन पे।